हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि मेहता, कुक कैट होम विद निधि मेहता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी मसालेदार भिंडी। ये बनाने में जितनी इजी है, ये खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। भिंडी बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो भिंडी ली है, जिसको मैंने धो के और अच्छी तरह से सुखा लिया है। आप इसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, पर भिंडी सूखी हुई होनी चाहिए बिल्कुल। ये 3-4 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल लिया है। मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, आप जिस मर्जी तेल में बना सकते हैं। ये 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3 चम्मच ये भुना हुआ बेसन है जिसको मैंने 2-3 मिनट धीमी आंच पे भून लिया था, 3/4 चम्मच अमचूर पाउडर है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर है। सबसे पहले हम भिंडी को काट लेंगे और उसके बीच में इस तरह से इस चीरा लगाएंगे। ये इस तरह से, आधी नहीं करनी है हमें भिंडी, इस तरह से हम सारी भिंडी काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे चीरा लगाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डाल देंगे और उसके बाद गैस ऑन करके तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है। देखिए, तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस को अब हम बिल्कुल धीमी आंच पे कर देंगे और इसमें ये हींग और जीरा डाल देंगे। साथ ही हम इसमें ये भिंडी भी डाल देंगे। और इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। अब हम गैस को कर देंगे मीडियम आंच पे और भिंडी को हमें अच्छी तरह से भूनना है। इस हर 2-3 मिनट में भिंडी को इस तरह से चला चला के भूनेंगे। जब तक हमारी भिंडी भून रही है, हम इन सब मसालों को आपस में मिक्स कर लेंगे। ये मैंने बेसन डाला है सबसे पहले, फिर धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, सभी को मिक्स करना है। हल्दी, दोनों मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक। अब हम इनको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये भिंडी हमारी भुन गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और इसने तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। बस हमें इतनी ही भूननी है भिंडी, और इतना भूनने में मुझे 20 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें जो हमने मसाला मिक्स करके रखा था, वो इस तरह से फैला के सारा मसाला डाल देंगे। और 4-5 मिनट इसको और हम भूनेंगे, जिससे कि मसाला अच्छी तरह से भिंडी के पे लिपट जाए। मसाला डालने के बाद मैंने गैस को धीमी आंच पे कर दिया था और अब 5 मिनट हो गए हैं और हमारी भिंडी भी रेडी है। सारा मसाला जो है वो भिंडी से अच्छी तरह से लिपट गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको गरम-गरम सर्व करेंगे। इसको आप परांठे या चपाती किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कुक कैट होम विद निधि मेहता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।